भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस को पिछले काफी समय से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के मैदान पर वापसी का इंतजार था, जो साल 2023 में हुए वनडे वर्ल्ड कप के बाद से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से लगातार बाहर चल रहे थे। हालांकि मोहम्मद शमी चोटिल होने की वजह से मैदान पर वापसी नहीं कर पा रहे थे, जिसमें सभी को उनके ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले फिट होने की उम्मीद थी। हालांकि टीम के ऐलान के साथ ही साफ हो गया था कि मोहम्मद शमी अब तक पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए हैं। अब मोहम्मद शमी ने लगभग एक साल के बाद मैदान पर वापसी की है, जिसमें वह पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले में शिरकत की। इस मैच में मोहम्मद शमी की गेंदबाजी का कहर भी देखने को मिला, जो टीम इंडिया के लिए काफी अच्छी खबर है। मोहम्मद शमी ने मध्य प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मुकाबले में पहले दिन 10 ओवरों की गेंदबाजी की थी, लेकिन वह कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए थे। वहीं दूसरे दिन के खेल में मोहम्मद शमी की गेंदों से पुरानी धार देखने को मिली, जिसके चलते मध्य प्रदेश की टीम, जो एक समय एक विकेट के नुकसान पर 106 रन बना लिया था, वह अपनी पहली पारी में महज 167 रनों पर ही सिमट गई। इस मैच में मोहम्मद शमी का जलवा देखने को मिला। मोहम्मद शमी ने कुल 19 ओवरों की गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने 4 मिड रन डालकर 54 रन दिए और 4 महत्वपूर्ण सफलताएं लिए। मोहम्मद शमी ने जो 4 विकेट लिए, उसमें से उन्होंने 3 प्लेयर्स को बोल्ड आउट किया। उनके अलावा एक खिलाड़ी को मोहम्मद शमी ने विकेटकीपर रिद्वान साहा के हाथों कैच आउट कराया। हालांकि टीम इंडिया को 22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की बॉर्डर टेस्ट सीरीज खेलनी है, जिसके लिए भले ही मोहम्मद शमी की टीम में चयन नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी उम्मीदें जताई जा सकती है कि उन्हें दौरे के बीच में भारतीय टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। टीम इंडिया को पर्थ में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के बाद 10 दिन का अंतराल के बाद दूसरा टेस्ट खेला जाना है, जो कि पिंक बॉल से खेला जाएगा। मोहम्मद शमी यदि वापसी करते हैं तो इससे टीम इंडिया की गेंदबाजी को काफी मजबूती मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद शमी भारतीय टीम के स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शिरकत कर पाएंगे या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।